जिस फिल्म में बस्तर जैसे फिल्म है जिसमें कहा गया कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए, कल के दिन में कोई भी कैंपस के गेट के बाहर जाएगा और कोई सिरफिरा गोली ही मार देगा, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? लड़ेंगे सरजी लिबाम, उमर खलीद, मीरान हैदर, ये तमाम लोग हैं हमारे दोस्त। तो हम जाति विनाश के संघर्ष में हम शामिल रहते हैं, हम वर्ग संघर्ष में रहते हैं, हम इस कैंपस में ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके उस संघर्ष में रहते हैं। कैंपस में, जेएनयू में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जहां एक तरफ पॉलिसी लेवल का हमला हो रहा है, जहां पे लगातार फंड कट्स हो रहे हैं, इस कैंपस के लाइब्रेरी में फंड कट हो रहे हैं, हॉस्टल्स की स्थिति बहुत जर्जर है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत खतरनाक है, वहां पे ख़राब हो चुकी है, और हम देखते हैं कि उसके साथ साथ इस कैंपस में फेलोशिप को रोक के रखा गया है कि उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाए, जबकि देश भर में महंगाई बढ़ रही है लेकिन फेलोशिप वहीं की वहीं है। तो इन सारे सवालों पर हमने चुनाव में हम आए थे। मुझे नहीं लगता है कि जेएनयू को एक दलित प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर चुनाव लड़े हैं, कई लोग चुनाव लड़े हैं इस कैंपस में जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन इस कैंपस में अमूमन ये रवायत रही है कि संघर्ष करने वाले लोगों को लोग सराखों पर रखते हैं, संघर्ष करने वाले जो हमेशा संघर्ष के मैदान में रहते हैं उनको लोग अपनाते हैं, उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। और देखिए ना कि हम लोग यहाँ पे संघर्ष किस बात की कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इस कैंपस में दलित लड़ा या सवन लड़ा या कोई और लड़ा, हम इस कैंपस में अगर संघर्ष भी कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के जाति जो कहते हैं जाति विनाश की, तो हम जाति विनाश के संघर्ष में हम शामिल रहते हैं, हम वर्ग संघर्ष में रहते हैं, हम इस कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके उस संघर्ष में रहते हैं, और इसी संघर्ष में लोग छात्र आंदोलन से जुड़ते भी हैं। तो हम जब आंदोलन में लोग जुड़ते हैं इन तमाम सवालों पर जो हम पे हमला हो रहा है, इन तमाम सवालों पे जो हाशिए पर के लोगों पर हमला हो रहा है, तो हम वहाँ पे जाति नहीं पूछने जाते हैं। इस तरह की फिल्में बनती हैं तो सबसे पहले तो ये बदनाम करने के लिए बनती है कि यहाँ के छात्र क्यों बोलते हैं। सरकार को बहुत चुभता है कि इतने कम पैसे में इतना बेहतर पढ़ाई करने वाले छात्र सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं, पहली चीज़ ये है। और देखिए ना कि अगर कल के दिन में जिस फिल्म में बस्तर जैसे फिल्म है जिसमें कहा गया कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए, कल के दिन में कोई भी कैंपस के गेट के बाहर जाएगा और कोई सिरफिरा गोली ही मार देगा, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? तो इस तरह के हमले हम पर लगातार हो रहे हैं इस कैंपस में। जो बीजेपी का आरएसएस का जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, वो लगातार वायलेंस कर रहा है, छात्रों को मार रहा है, कॉमन छात्रों के सर फोड़ दे रहा है। ये जो मौजूदा सरकार है तो इसके खिलाफ 10 सालों से जो चल रहा है, देश में एक सांप्रदायिकता का जहर घोलने की जो कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, देश को तोड़ने की जो सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, तो इस कैंपस का तमाम छात्र समझा और समझता भी है, तो उन्होंने बतौर जवाब दिया है कि आने वाले वक्त में भी 2024 का जो चुनाव आम चुनाव होने वाला है उसमें भी बीजेपी को ग्रस्त करेंगे, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। जहाँ तक प्रोपेगेंडा फिल्मों का सवाल है तो उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे और लगातार बोलेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि सही बात बोलने में बहुत ज़्यादा यहाँ के छात्रों को दिक्कत होती है, सरकार को दिक्कत होती है, इसीलिए हमारे साथियों को जेल में बंद कर दिया जाता है। सरजी लिबाम, उमर खलीद, मीरान हैदर, ये तमाम लोग हैं हमारे दोस्त जो इस कैंपस में पढ़ते हैं, कैंपसेज में पढ़ते हैं, उनको बंद कर दिया गया। तो उनके लिए भी, उनकी रिहाई के लिए भी हम यहाँ से संघर्ष करेंगे।